तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या होती है कि उन्हें लगातार फिल्में मिलती जा रही हैं। उनकी अगली फिल्म के बारे में खबर आ रही है कि वो फिल्म मेकर हंसल मेहता की फिल्म एयरफोर्स पायलट का रोल निभाने जा रहे हैं। इस बारे में अभी और कुछ जानकारी आनी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में वो फाइटर जेट उड़ाते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान की सीमा में अपने प्लेन से उड़ान भरेंगे। स्टोरी के बारे में अभी हंसल मेहता ने ज़्यादा खुलासा नहीं किया, पर कार्तिक के फैंस के लिए ये एक बड़ी खबर है। इसलिए उन्हें अब वैरायटी वाले रोल्स ऑफर हो रहे हैं और चॉकलेट लवर बॉय की इमेज से उन्हें जल्द ही छुटकारा भी मिल जाएगा। कार्तिक जल्द ही शाहिद कपूर, विकी कौशल वाली लीग में शामिल हो जाएंगे। कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म प्यार का पंचनामा को 10 साल आज ही के दिन हुए हैं। कार्तिक ने इस फिल्म से ही साबित कर दिया था कि बॉलीवुड में वो लंबी रेस के लिए आए हैं। इस फिल्म के 7 मिनट के एक लंबे डायलॉग फिल्म को हर दिल अजीज बना दिया था। वो फिल्म वायरल ही इसलिए हुई क्योंकि कार्तिक ने इतना लंबा डायलॉग बोला था जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी से जुड़ा नजर आया। उसके बाद उन्होंने प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छिपी से लेकर पति पत्नी और वो के बाद लव आजकल 2 जैसी फिल्में की। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 और धमाका है। करण जौहर से झगड़े के बाद उनको दोस्ताना 2 और धर्मा की एक और फिल्म से निकालने की खबरें आई थी, लेकिन लग रहा है कि उनके करियर पर ऐसी खबरों का कोई खास असर नहीं पड़ा। करण जौहर के अलावा और भी बड़े फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कार्तिक की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, वो टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करण जौहर ने दोस्ताना 2 के लिए उन्हें कम फीस ऑफर की थी और ये फिल्म कोरोना की वजह से आधी शूट हो पाई थी। जब कार्तिक ने उन्हें फीस बढ़ाने के लिए कहा तो करण को ये नागवार गुजरा और उन्होंने कार्तिक को आधी शूट हुई फिल्म से ही बाहर कर दिया, जिसकी वजह से करण जोर जम कर ट्रोल भी हुए थे। उन्हें बॉलीवुड में गैंग बनाने के लिए जिम्मेदार बताया गया। फैंस के साथ साथ कंगना ने भी कार्तिक से बॉलीवुड के बड़े लोगों से ना डरने की अपील की थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलती है इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।